हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप अगर अपना नया क्लिनिक या मेडिकल खोलना चाह रहे हैं तो आपको अपने पास कौन कौन सी ऐसी सिरप या ड्रॉप्स या सस्पेंशन रखें जिससे आपका कस्टमर वापस भी नहीं जाएगा और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो जितने आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हम आपको एक एक ड्रॉप, सिरप, सस्पेंशन, क्रीम के बारे में भी जानकारी देंगे, इनकी ब्रांड कैसे होती हैं और ये आपको किस समय कौन सा कस्टमर को देना होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो क्रीम से करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आता है हमारा, वो आता है पोवर्डीन। पोवर्डीन बहुत ही ब्रांड होता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो अगर किसी भी पेशेंट के चोट लग जाती है, रक्त बह रहा होता है, जख्म को सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी भी अलग अलग ब्रांड आती हैं, तो आप कई कंपनी के अपने पास अलग अलग रखें, जैसे सनलाइफ, एलकेम और भी अदर सारी कंपनी हैं, तो आप अलग अलग अपने पास रहेंगे, लेकिन सबका जो साल्ट होता है वो पोवर्डीन ही रहता है और ये कस्टमर आपके अलग अलग नाम से लाते हैं। तो आप ये अलग अलग ब्रांड के 3-4 कंपनी के अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। आगे हम बात करेंगे कि एलर्जी, दांत खाज, खुजली के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर क्रीम क्लोविलेट GM गोल्ड। GM गोल्ड बहुत ज़्यादा बिकता है और क्लोविलेट प्रोपनेट माइकोनोजोल नाइट्रेट इसका साल्ट होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो 20 से 25 रुपए की ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे बिक जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये सेल होने वाला क्रीम होता है। आगे हम बात करेंगे कि अगर चोट, मोच या दर्द कोई भी गिर जाता है तो उस समय आपको पेन किलर जेल के बारे में, तो बोलिसिल जेल जो डाइग्लोफेनस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा बिकता है। तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का पेन होता है, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, बैक पेन, तो ये कस्टमर को दिया जाता है, इसका मालिश कराया जाता है और बाकी आप मेडिसिन दें इसको, तो बहुत ही जल्दी उसको रिजल्ट मिलेगा। पेन जेल भी आपको अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग रखने होती हैं जिससे आपका कस्टमर वापस नहीं जाए, क्योंकि वो अलग अलग मेडिकल स्टोर से अगर इस्तेमाल भी कर चुका है तो आप उसको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग पेन जेल रखें। जैसे डोक्लोपेन प्लस जेल, ये हॉट जेल होता है, इसको लगाने के बाद में आप कमर, पीठ, गर्दन, जोड़ों में दर्द, कहीं पर भी पेन किलर है तो ये इसका मालिश कराई जाती है, तो बहुत ही अच्छा ये होता है इसका रिजल्ट। आगे हम बात करेंगे, एक और आपको दिखाएंगे, रैपिड हॉट जेल। ये बहुत ज़्यादा ब्रांड और बिकने वाला है और ये माइक्रो कंपनी का होता है। तो ये भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर या क्लिनिक पर रखें जिससे अगर कोई कस्टमर के चोट मोट का दर्द होता है वो इसकी मालिश करेगा तो उसको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। आगे हम बात करेंगे एक दांत खाज खुजली का बहुत ही अच्छा और कारगर क्रीम कीटोनेक्स KT5। अगर इसकी बात करें तो ये साफ साफ इस पर लिख रहा है दांत खाज खुजली, फुंसी, एक्जिमा, तो ये इस काम के लिए होता है और 40 से 50 रुपए का आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो ये आप भी अपने मेडिकल या क्लिनिक पर रखें जिससे कस्टमर आपका वापस नहीं जाए। आगे हम बात करेंगे खुजली का बहुत ही अच्छा, एलर्जी के लिए, दानों के लिए बहुत ही अच्छा क्रीम है क्यूपेंड्रम। जो क्यू ड्रम होता है क्वालीडर्म, उसके जेनिक होते हैं और ये आपको 3-4 रुपए के होलसेल में मिल जाते हैं। तो आप इसको मेडिकल स्टोर पर रखें, 10 से 12 रुपए के आप इसको सेल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये बिकने वाले होते हैं। आगे हम बात करेंगे गोरा होने की क्रीम के बारे में। तो अगर किसी पेशेंट के कील, मुहासे या चेहरे पर, फेस पे जो स्किन पर दाग धब्बे होते हैं उसके लिए मेलानोन XL क्रीम के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली क्रीम है जो हर मेडिकल स्टोर पर बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो ये भी आप अपने मेडिकल या क्लिनिक पर रखें जिससे आपका कस्टमर वापस नहीं जाए। और आगे हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला सैकेट के बारे में, कैल्सीडॉक D3। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें कैल्शियम की कमी, या बुजुर्ग उम्र के लोग होते हैं उनकी हड्डियों में चटर पटर की आवाज़ आती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पैकेट आप रखें, डॉक्टर मोरपेन कंपनी का होता है और इसका नाम लिख लीजिए। आप कॉपी पेन लेकर के इन सब चीज़ का आपको नाम एक बार में तो ध्यान नहीं रहेगा, जो भी दवाइयाँ हैं आप इनका नाम लिखें। अब हम बात करेंगे बच्चों के सस्पेंशन ड्रॉप के बारे में। तो एंटीबायोटिक की बात करें तो सिफेक्सिम सस्पेंशन अलग अलग कंपनी के हिसाब से आप अपने पास रखें, 50 mg, 25 mg, 100 mg। तो ये 50 mg और 100 mg वाला है, ये 100 mg वाला है जो खांसी, नज़ला, बुखार का आप कोई भी ड्रॉप देंगे, जैसे कालपोल या केरोसिन, तो उसके साथ में लगाएं जिससे उस बच्चे को बहुत ही जल्दी रिफिल रिलीफ हो। आगे हम बात करेंगे खांसी, नज़ला, जुकाम की बहुत ही अच्छी और असरदार सिरप, एस्कोड्रिल LX जूनियर, जो बच्चों में बलगम, खरखर की आवाज़ आती है, नमूनिया, साएं साएं होती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ये सिरप होती है। और आगे हम बात करेंगे बच्चों में लेटरीन, दस्त, लूज मोशन में इस्तेमाल होने वाला सस्पेंशन ऑफ्लोक्सिन मेट्रिंडाजोल सेमिथिकोन सस्पेंशन, ये भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ये मैंगो बेस में है
आप अलग अलग बेस के हिसाब से कई सारे ब्रांड के रखें जिससे कस्टमर आपका वापस नहीं जाए। आगे हम बात करेंगे एस्कोडेक्स जूनियर के बारे में, तो इसके अंदर क्लोरफ्लोरमीन, डेक्सामेथासोन, फेनीहेफ्रिन अलग अलग साल्ट होते हैं जो खांसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। इसमें बच्चों में जो नोज़ी आती है तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे लीवर के बारे में, अगर किसी भी नवजात शिशु को पीलिया हो जाए या आप बच्चे को पीलिया या भूख कम लगती है तो उस समय इस्तेमाल होने वाला हेप्टामैक्स डीएस सस्पेंशन की, तो ये हेप्टामैक्स सस्पेंशन लीवर की प्रॉब्लम के लिए बच्चों को इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे कोल्ड माइंड, कोल्ड माइंड में पैरासीटामोल फेनारमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है जो कफ कोल्ड खांसी नज़ला जुखाम में बच्चों को दिया जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बिकने वाला होता है। आगे हम बात करेंगे बच्चों में जब दांत निकलते हैं, जो बच्चा 6-7 महीने के होते हैं तो उनमें दांत निकलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है तो कैल्शियम की कमी आती है जिससे उन पर बुखार वगैरह रहने लगता है, तो उस समय ये ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है कैलफुल D3, तो ये भी बहुत ज़्यादा सेल होता है। आगे हम बात करेंगे जब बच्चों में चलते हैं या उनके दांत वगैरह निकलते हैं कमज़ोर हो जाते हैं तो उस समय A to Z सिरप का इस्तेमाल कराएं जिससे उनकी वीकनेस कमज़ोरी भी ठीक हो जाए और वह मसल्स भी उनकी बढ़िया ताकतवर हो जाएं। आगे हम बात करेंगे लूज मोशन की, ये अलग ब्रांड की है ऑफ्लोमैन एम, जिसमें ऑफ्लोक्सिन मेट्रोनाजोल होता है। ये आपकी मैंगो बेस में है, जो पहले हमने दिखाई थी वो फ्लोवर उसका मैंगो था और ये इसका ऑरेंज यानी कि इसका संतरे बेस है, तो ये बच्चे अलग अलग चीज़ की पसंद करते हैं तो ये भी आप रखें, लूज मोशन में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे अगर बच्चा 5-6 साल का है और उसको बुखार है तो बच्चे कड़वी दवाई नहीं खाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है एसिक्लोफेनस पैरासीटामोल सस्पेंशन। आगे हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा और एंटीबायोटिक है एमोक्सिलिन क्लोविनेट पोटेशियम के साथ में, और इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है, तो ये खांसी नज़ला जुखाम बुखार में एक एंटीबायोटिक से जो एंटीबैक्टीरियल ख़त्म करने के लिए बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे जेनोवैक्स ड्रॉप की, जेनोवैक्स ड्रॉप मल्टीविटामिन है जो कमजोरी वीकनेस के लिए बच्चों में जो दिया जाता है, तो आप इसको भी अपने मेडिकल स्टोर पर रखें जो बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला होता है। और आगे बात करेंगे हम बच्चों में खांसी नज़ला जुकाम के लिए जुकामीन बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है जो LPN कंपनी का होता है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, और आप इसको भी अपने क्लिनिक मेडिकल स्टोर पर रखें जो बच्चों में खांसी नज़ला बुखार की दिक्कत होती है उनमें इस्तेमाल कराएं। आगे हम बात करेंगे खांसी नज़ला जुकाम के लिए एम्ब्रोडिल एलेक जूनियर की, इसमें एम्ब्रोडिल हाइड्रोक्लोराइड लिवोसाल्बुटामोल होता है जो बलगम को लैट्रिन के रास्ते से निकालता है और बच्चों में साएं खर खर की प्रॉब्लम को ठीक कर। आगे हम बात करेंगे वोमिट या पेट में दर्द होती है बच्चों में तो उस समय इस्तेमाल होने वाला ड्रॉप डीसाइक्लोमीन एक्टिवेट, जो बच्चों में पेट में दर्द होता है लैट्रिन लोड मौसम के समय तो उस समय ये दिया जाता है, तो ये भी आप अपने पास रखें। अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग 3-4 कंपनी के आप ड्रॉप लें जो आप कस्टमर को सेल कर सकें। आगे हम बात करेंगे कैंडीबायोटिक्स ड्रॉप, जो क्लोट्रमाजोल लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड होता है इसके अंदर, ये अगर कान में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, कान बह रहा है तो उस समय इस्तेमाल किया जाता है, तो कान के लिए भी आप अपने पास ड्रॉप रखना बहुत नहीं भूलें, कान का ड्रॉप बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा सेल होने वाला है, तो अपने मेडिकल क्लिनिक पर भी इसका इस्तेमाल कराएं। आगे हम बात करेंगे बेटनिसोल ड्रॉप के बारे में, तो बेटनिसोल ड्रॉप आप ओरल ड्रॉप है, ये आई ड्रॉप भी आता है, ये ओरल ड्रॉप है, तो ये रखें जो बच्चों में दाने निकलते हैं एलर्जी होती है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे एल्बिंडाजोल सस्पेंशन, जो बच्चों में कहते हैं कि कीड़े हो गए तो कीड़ों की दवाई होती है, तो जो भी आपके पास आए कस्टमर के कीड़ों वाला ड्रॉप दे दो या कीड़ों की टैबलेट, तो इसमें एल्बिंडाजोल साल्ट होता है, तो ये रात को मीठे दूध से इस्तेमाल कराई जाती है बच्चों में, 5 साल का बच्चा इसका पूरा CC पी सकता है, बाकी आप कस्टमर यानी कि पेशेंट की कंडीशन देख कर ही उसका इस्तेमाल कराएं। आगे हम बात करें सोप की, तो मेलापैक सोप एक ऐसा सोप है जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सोप है, जो महिलाओं की स्किन को मुलायम रखता है, जिसमें विटामिन ई, ग्लिसरीन और एलोवेरा से भरपूर होता है, तो आप ये अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। इन सभी दवाइयों का नाम आप अपनी एक डायरी ले लें और उसमें नोट करते रहें। आगे हम बात करेंगे कैमकोल्ड प्लस के बारे में, कैमकोल्ड प्लस में पैरासीटामोल हाइड्रोक्लोराइड सिट्रिजिन होता है, जो आपको खांसी नज़ला जुखाम अगर आपके बच्चे को है, कफ कोल्ड कॉमन नोज़िया, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसका
अपने मेडिकल स्टोर पर इनकी भी क्वांटिटी भरपूर रखें। आगे हम बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोस्ट पॉपुलर ड्रॉप के बारे में, कालपोल। कालपोल एक ब्रांड है जो पेडियाट्रिक ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर पैरासीटामोल होता है और ये इसके अंदर डोज भी लिख रही होती है कि बच्चे में कितना वजन है तो कितना दिया जाता है। कंपनी की बात करें तो ग्लेक्सो कंपनी होता है। तो कालपोल आप ड्रॉप रखें सौ एम जी वाला अपने पास, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें सौ एम जी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे हम, जो आज का प्रेजेंट टाइम चल रहा है, गर्मी का मौसम है तो आँखों में इन्फेक्शन और सूजन की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर, क्लिनिक पर टोब्रामाइसिन बहुत ही रखना बहुत ज़रूरी है। टोब्रामाइसिन डी यानी कि टोब्रामाइसिन डेक्सामेथासोन आप अपनी मेडिकल स्टोर पर रखें और ये ज़्यादा ही सेल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे खांसी नज़ला जुखाम बुखार में, यानी कि खांसी अगर बलगम वाली हो बच्चों को या उनको खरखर हो रही है सीने पे, तो चुप सिरप के बारे में। चुप सिरप एक ब्रांड है जो एबोट कंपनी की होती है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है, और हरी वाली सीसी के नाम से भी ये बहुत सेल होती है, तो आप इसको भी अपने पास पूरी क्वांटिटी में रखें। आगे हम बात करेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और बिकने वाली सस्पेंशन की, कालपोल 120। तो पहले जो हमने बताया था वो कालपोल 100 बताया था, अब ये कालपोल 120 में है। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ग्लेक्सो कंपनी की होती है, तो ये बच्चों में बुखार होता है, फीवर, शरीर में दर्द, तो इसका इस्तेमाल कराते हैं। आगे हम बात करेंगे एसोलोकैम प्लस यानी कि एसोलोफेनस पैरासीटामोल सस्पेंशन, जो बच्चे बड़े होते हैं 5 साल 3 साल, तो उनमें ये इस्तेमाल कराया जाता है, तो ये भी बुखार, शरीर में दर्द में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उस समय उनके शरीर में गर्मी होती है, तो नौनिहाल घुट्टी के बारे में, तो नौनिहाल ग्राइप वाटर होता है जो हमदर्द कंपनी का होता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है, तो ये आप अपने पास रखें। ये आप पर डे 10 से 20 घुट्टी बेच सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, जो बच्चों के पेट में की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है और दांत निकलने में बहुत ही इसका असरदार रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे मॉक्स सस्पेंशन की, मॉक्स 125 सस्पेंशन, जिसके साल्ट होता है एमोक्सिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक है जो और खांसी नज़ला जुखाम होता है, तो और ड्रॉप जैसे आप देते हैं कालपोल या कोल्ड ड्रॉप्स, तो उसके साथ ही लगा के दिया जाता है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आगे हम बात करेंगे अगर आपकी आँख में कुछ गिर जाए या आँख में कीड़ा गिर जाता है, धूल मिट्टी के इन्फेक्शन होता है, तो उस समय आँख सूज जाती है या आँख में चुभन होती है, तो टोब्रा डी लेबरोट कंपनी का होता है, और इसका जो साल्ट होता है वो टोब्रामाइसिन डेक्सामेथासोन होता है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका, आँख वाले डॉक्टर भी यूज करते हैं, और ये जनरल आप अपने मेडिकल क्लिनिक पर रखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा ये बिकने वाला होता है। आगे हम बात करेंगे अगर बॉडी में किसी भी तरीके का दर्द हो, पेन हो, तो पेन रिलीफ ऑयल के बारे में, जॉइंट केयर ऑयल, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो इसकी अगर किसी के गुम चोट लग जाती है, लाठी डंडा चोट मोट, पहलवानी का जो दर्द होता है उसमें ये इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और आगे हम बात करेंगे सेवलोन बहुत ही अच्छा ब्रांड चीज़ है, जो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, साफ़ सफाई को करने के लिए रखा जाता है, तो आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाएगा, जैसे इसका नाम पैरालोन है, सेवलोन है, तो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से इनका नाम चेंज हो सकता है, लेकिन साल्ट सबका एक ही रहता है और काम भी सबका एक ही रहता है। आगे हम बात करेंगे अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, सीने में दर्द है, या फिर सीने में किसी भी प्रकार की चुभन होती है, तो पेशेंट को आप जब मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ में आप ये सिरप भी दे सकते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा असरदार होती है। आगे हम बात करेंगे बच्चों में वोमिटिंग, उल्टी आना, जी मचलाना, दूध ज़्यादा लौटना, तो उस समय इस्तेमाल होने वाला ड्रॉप ऑनडिस्टोन बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका, और ग्लैकमार कंपनी का है, तो ये भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला ये ड्रॉप होता है। कुछ आपके मेडिकल पर ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो आपसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप खांसी की कोई बढ़िया सिरप दे दें, तो आप उस तौर पर आप अपने मेडिकल स्टोर पर अलग अलग ब्रांड की अलग अलग सिरप रखें कफ कोल्ड की, जैसे ये हम बता रहे हैं आपको एक्सोड्रेक्स डी डेक्सामेथासोन और क्लोरोफ्लोरमीन इसका साल्ट है, बहुत ही अच्छा खांसी बलगम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी हम बताएं आपको बोरेक्स डी एक्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका, और ये भी आप रखें, बायोकेम कंपनी की है ये, आप 90 से 80 रुपए की सेल कर सकते हैं, बाकी जो होलसेल में जो पड़ती है ये 30-35 रुपए की पड़ जाती है। आगे हम बात करेंगे बीटाडीन लोशन की,
बीटाडीन लोशन आपको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से, अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग नामों से मिल जाएगा, लेकिन साल्ट सबका पोवेडीन आउटमेंट सोल्यूशन होता है। तो ये आप रखें अपने पास, जैसे चोट मोट या रक्त वगैरह होता है किसी को, पेशेंट को, तो माइक्रोबैक्टीरियल को ख़त्म करने के लिए, रक्त को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे खांसी की, बहुत ही बढ़िया सिरप टर्बुटलिन साल्ट की, एल्कोफ ऑर्गेन, जो आपकी फेफड़ों में पहुंचने के बाद में जो बलगम जमा हुआ होता है सीने पे, उसको निकालें और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो शर्म की वजह से डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर पर जा कर के वो सामान खरीद सकते हैं। तो वो है आपका प्रदास नाशक, यानी कि महिलाओं में लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा रिसरदार इसका रिजल्ट होता है। तो ये चूर्ण आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें, बहुत ज़्यादा बिकने वाला होता है, जो महिलाओं की अंदरूनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और इसकी 160 की MRP है। लाइफ केयर अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग मिल जाएगा, हम ये नहीं कह रहे आप ये रखें, लेकिन आप अलग अलग क्वालिटी इसकी रखें, बहुत ज़्यादा ही बिकने वाला होता है। ऐसे ही मेल को हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। सफू मुगलिस गोल्ड, गोल्ड जिसमें लगा हुआ होता है तो वो गोल्ड ही होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं। तो इसका जो कार्य होता है, वीर्य को गाढ़ा करना, रुकावट पैदा करना, पुरुष की मर्दगानी बढ़ाना आदि आदि अलग अलग रिजल्ट होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप अपने मेडिकल स्टोर पर इसको रखें, बहुत ज़्यादा बिकने वाला होता है। ये 3 डिब्बे का कोर्स होता है। अगर 3 डिब्बे किसी पेशेंट ने इस्तेमाल कर लिए तो अगर उसका स्पर्म का क्वांटिटी 0 भी है तो बहुत ज़्यादा उसकी हो जाएगी, यानी कि वो है बहुत अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा। आगे हम बात करेंगे कि पेशेंट को जब लैट्रिन पोटी टाइट आती है, यानी कि नहीं आ पाती है, तो उस समय लैक्टोलूज की ज़रूरत पड़ती है। तो लैक्टोलूज सिरप के बारे में, तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो पेशेंट को BD इस्तेमाल कराएं। बाकी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, हम आपको खाली दवाइयों की जानकारी दे रहे हैं किस नाम से मिल सकती हैं और कौन सी सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकती हैं। आगे हम बात करेंगे जेंटेक रेंटिडाइन, यानी कि जो एसी लोग होती है सिरप वही है। तो इसका भी जो काम होता है वो पेट में जलन, गैस, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। आगे हम बात करेंगे ब्लड पोरिफेरम, यानी कि रक्त शोधक, जो अलग अलग नाम से मिल जाती है, जैसे खून साफ़ी। तो ये जो है आपकी ब्लड में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। जो शरीर पर दाने वगैरह निकल जाते हैं उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे खुजली का बहुत ही अच्छा और बेस्ट पाउडर के बारे में, तो क्लोट्री की, यानी कि इसके अंदर क्लोटरमाजोल डस्टिंग पाउडर है, जो आज का जो गर्मी का मौसम चल रहा है तो पसीना आता है तो प्राइवेट पार्ट्स में दाने बनने लगते हैं, तो ये आप इस्तेमाल करें सुबह को नहाने के बाद में, अपनी स्किन पे इसका छिड़काव करें, जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा और दाने भी नहीं निकलेंगे। आगे हम बात करेंगे जो डॉक्टर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, बायनोहिट। बायनोहिट एक मिक्सचर होता है कई सारी चीज़ों का, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो दवाई देते हैं, तो उस समय इसका लाल वाली मिक्सचर या मीठी मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जब पेशेंट किसी भी बच्चे को, चिल्ड्रन को जब दवाई देते हैं पीस करके, तो एक छोटी शीशी आती है खाली, उस शीशी में भर के इसको भी दें, जो खांसी में भी काम करेगी, वो बच्ची मीठे की वजह से पी भी लेते हैं। आगे हम बात करेंगे आज का जो गर्मी का टाइम है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो पानी की कमी और लैट्रिन वगैरह आती हैं तो खुश्की हो जाती है, किसी को लूज मोशन होता है, तो ग्लूकोन डी, तो ये भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग मिल जाता है, लेकिन डाबर कंपनी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और ये आप सी भी रखें, डी भी रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि दवाइयों में ये क्या आ गया, तो ये सुपर डॉक्टर पेशेंट केयर, यानी कि स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं BP मशीन। तो BP मशीन मेडिकल स्टोर पे आपको रखना ज़रूरी है, किसी डॉक्टर की इमरजेंसी में ख़राब होती है तो आपसे लेना आएगा। और आप एक डॉक्टर हैं तो आपके पास तो डबल रहनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को BP चेक करके ही दवाई इस्तेमाल कराएं। BP से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, घबराहट, BP बढ़ना, BP कम होना। आगे हम बात करेंगे कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप पोवेडीन 500 ml वाला लेकर आएँ तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 500 ml वाले में सस्ता पड़ता है और अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ये पोवेडीन लोशन है, जो जिसकी पट्टी करते हैं जख्म वगैरह को सुखाने के लिए। आगे हम बात करेंगे फोर्स रेड एक आयरन की बहुत ही अच्छी सिरप है, जो मल्टी विटामिन होती है, जो महिला पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शरीर में वीकनेस, कमजोरी के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो आप इसका इस्तेमाल कराएं, तो ये बहुत ही अच्छी ताकत की सिरप होती है। अगर हम इसमें
बात करें तो इसके अंदर पूरा बड़ा लंबा सिरप निकलता है जो बहुत ही अच्छा इसका स्ट्राइक है, और इसके साथ एक चम्मच भी दी जाती है, तो सुबह शाम दो दो चम्मच पेशेंट को इसका इस्तेमाल कराएं। आगे हम बात करेंगे आयरन की कमी, फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय एच वी फोर्ट सिरप लीफोर्ट कंपनी की होती है। इसका जो कार्य होता है वो शरीर में कमजोरी, वीकनेस, नसों में खून का दौरान कम होना, इसमें साइक्लोवालामीन होता है जिसके इंजेक्शन भी आते हैं। आगे हम बात करेंगे वीकनेस, कमजोरी, चक्कर के लिए बहुत ही अच्छी और रिजल्ट वाली सिरप, मल्टीविटामिन्स, मल्टीविटरल्स, मेथाग्लोवालामीन, तो ABZ आप देख रहे हैं नाम, गोल्ड सिरप है, बहुत ही अच्छे इसका रिजल्ट होता है। ये आपको अगर पेशेंट को कमजोरी, बीपी कम आ रहा है तो दवाई के साथ में सिरप भी उसको प्रदान करें, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा पेशेंट को और आपको भी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे M2Z एक मल्टीविटामिन सिरप है जिसके लाइकोपेन, विटामिन B12 आदि साल्ट होते हैं, तो ये भी कमजोरी, वीकनेस, चक्कर आना या कमज़ोर जो पेशेंट होते हैं वो भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एरिजाइम क्या होता है, फंगल डिस्टेंस, यानी कि जो किसी भी पेशेंट को लेटरिन बार बार आती है या कहते हैं ना मुँह आ रहा है, छाले होते हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है जो पेट की बीमारियों को ख़त्म करती है। आगे हम बात करेंगे नारी सुंदरी, नारी रक्षा, ये अलग अलग नाम से नारियों की सिरप आती हैं जो महिलाओं के पीरियड को रोका हुए को ठीक करती हैं, महिलाओं के लिए वरदान होती हैं, महिलाओं को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उस समय बहुत ही कारगर होती हैं, तो ये भी आप अपने मेडिकल क्लिनिक में रखें। ये शुगर फ्री है, तो इस पर लिख रहा है शुगर फ्री, तो इसमें जो शुगर जिन महिलाओं को हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल करें, जिससे उनकी पीरियड MC खुल के होगी। आगे हम बात करेंगे Heptamax DS सिरप की। Heptamax सिरप हर्बल कंपनी की है और इसके साथ टैबलेट भी आती हैं 20 टैबलेट, तो अगर आपको भूख कम लगती है या लीवर पर सूजन आ रही है, काफ़ी दवाई इस्तेमाल कर ली है, तो आप इसका इस्तेमाल करें Heptamax DS का, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे बच्चे 10 की उम्र में 20 के लगते हैं, 25 की उम्र में 50 के लगते हैं, बचपन की गलतियों के कारण उनका शरीर सूख रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो उस समय प्रोटीन बार ये जो पाउडर है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, तो ये एक चम्मच दूध में रात को घोल करके पिलाएं, और बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। अगर आप एक मेडिकल है आपका तो आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें और रात को दूध से इसका इस्तेमाल कराएं। आगे हम बात करेंगे पेट में जलन, खट्टी, डकारें आती हैं, तो उस समय इस्तेमाल होने वाली एंटासिड सिरप की, जो अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग बेस में मिल जाती है, जो पेशेंट को जैसे जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं बार बार, तो उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है, तो बहुत ज़्यादा बिकने वाली है, जो डाइजीन अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाएगी, तो आप भी अपने मेडिकल स्टोर पर ही अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग रखें और इनका इस्तेमाल करें। ये शुगर फ्री भी होती हैं और कुछ शुगर फ्री नहीं होती हैं, जैसे ये शुगर फ्री नहीं है लेकिन ये वाली पर लिखा हुआ है शुगर फ्री, तो आप इसका इस्तेमाल करें और बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे लीवर की बहुत ही अच्छी सिरप Heptamax DS। लीवर की सिरप बहुत ज़्यादा आती हैं, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग आप कई क्वालिटी की रख सकते हैं, जो फैटी लीवर में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है, तो ये आप अपनी डायरी में नोट कर लें। जितनी भी दवाई आज आपको बता रहे हैं ये सब बहुत ही अच्छी और असरदार और बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप हाइड्रोजन का तो इस्तेमाल करते होंगे, किसी भी पेशेंट को चोट लग जाती है तो उस समय आप जख्म को धोने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप बड़ी वाली लाएं, जिससे आपको फ़ायदा होगा और सस्ती मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे खून में इन्फेक्शन, कील, मुहासे, चेहरे पे झाइयों के लिए बहुत ही अच्छी और असरदार सिरप रक्त शोधक, खून साफ़ी, ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से मिलती हैं लेकिन कार्य सबका एक होता है, कील मुहासे से बचाए, झुर्रियों को रोकथाम करे, सुंदरता बढ़ाए, महिलाओं में आक्रोश जताए, सिडोल बनाए, खूबसूरती जगाए। आगे हम बात करेंगे फीमोरिच आप समझ रहे होंगे कि महिलाओं की है, महिलाओं की नहीं है, पुरुष भी पी सकते हैं। इसका जो साल्ट है वो फोलिक एसिड, जिंक सल्फेट, साइनोवालामीन, तो ये शरीर में पहुँचने के बाद में आयरन की कमी को पूरा करेगी, आपके शरीर में अगर वीकनेस, कमजोरी है उसको भी बढ़ाएगी, कम करेगी, और अगर इसकी सिरप दिखाएं हम तो सिरप इसकी बहुत ही बढ़िया होती है, तो आप सिरप देख सकते हैं, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, 160 रुपये की MRP पे आपको मिल जाएगी, रोशनी कंपनी की है ये, तो आगे आपको और बताएं हम।
कि अगर पेट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, पेट में पाचन सही नहीं हो पा रहा है, पेट में खाना खाने के बाद में तुरंत आप टॉयलेट में जाते हैं, तो डाइजी पेन ये एलकेएम कंपनी की है और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो आप ये अपने मेडिकल स्टोर पर रखें, और आप एक डॉक्टर हैं तो आपको ये रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पेशेंट वापस नहीं जाए और आप पेशेंट को दवाई के साथ साथ इसका भी इस्तेमाल कराएं, जिससे उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता रहे। आगे हम बात करेंगे, अगर आपके शरीर पर भी किसी भी तरीके की गांठ है जो आप देखते हैं हाथ में निकल जाती है, किसी के गाल पे, छाती पे, तो शिष्ट की बहुत ही अच्छी सीरप, शिष्ट केयर, और ये महिलाओं की ओवरी में गांठ, बच्चेदानी में गांठ या नलों में गांठ है होती हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और MRP भी इसकी ज़्यादा नहीं है, 160 MRP है, RMC हर्बल कंपनी की होती है। ये एक प्रकार से देसी आयुर्वेदिक होती हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होती हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इनका, और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लें, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। आप किसके साथ में दवाई भी ना इस्तेमाल कराएंगे तो ये 3-4 CC में ही रिजल्ट मिल जाएगा। गर्भ में गांठ, स्तन में गांठ, मांस की गांठ, किसी भी तरीके की गांठ है तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे लिवोसिट DS। लिवोसिट लीवर के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर सिरप होता है, जो लीवर, फैटी लीवर, भूख कम लगना, लीवर की सारे विकार को बहुत ही लाभदायक होता है। आगे हम बात करेंगे सीमोलिप। सीमोलिप बहुत ही अच्छी लीवर की बहुत अच्छी सिरप होती है, जो तिल्ली बढ़ रही हो, जिगर बढ़ रहा हो, पीलिया हो, तो उस समय इसका इस्तेमाल कराएं तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। बात करेंगे कि ताकत की बहुत ही अच्छी सिरप, जो आपके शरीर में किसी भी तरीके की कमजोरी है या आपको चलते हुए चक्कर आते हैं, उठते बैठते हैं तो चक्कर आते हैं, तो हैपअप लुपिन कंपनी की हैपअप फोर्ट सिरप बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो आपने अगर तमाम तरीके की सिरप पी ली हैं या आपने किसी पेशेंट को दे रही हैं और उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप हैपअप फोर्ट का पेशेंट को इस्तेमाल कराएं, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और आप देखें बिल्कुल सुन काली पड़ रही है, ये ताकत की बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, और इसकी MRP भी 188 रुपये की, ज़्यादा कोई महंगी नहीं है। आगे हम बात करेंगे स्प्राइट। स्प्रिट का क्या होता है, जब आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं या इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, तो आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने लिए ये बड़ी वाली ला सकते हैं, बाकी इसकी छोटी भी आती है 100 ml में, वो भी ला सकते हैं। तो इसके आप बार बार अपने हाथों पर भी मालिश करते रहें, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं हो, और इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे हेमोरिज सिरप की। हेमोरिज सिरप बहुत ही अच्छी और रिजल्ट इसका बहुत बेहतर है, ताकत की ये होती है। इसके अंदर शुद्ध हिंदी में लिख रहा है, खून की कमी और कमजोरी को दूर करने वाला अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला इसके अंदर उपलब्ध है, तो आप इसका इस्तेमाल करें, अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला इसके अंदर उपलब्ध, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और इसके अंदर फोलिक एसिड, जिंक, सालबिटोल, आयरन से भरपूर होती है, महिला पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो आप 160 रुपये में 300 ml की आपको मिल जाएगी। आपने तरह तरह की अगर सिरप इस्तेमाल कर रही हैं तो आप एक बार इसका भी इस्तेमाल करके देखें। अब हम बात करेंगे ड्रिप के बारे में। तो आपने अगर शरीर में कमजोरी है और डॉक्टर ने आपकी बोतलें लगाई हैं, ड्रिप लगाई हैं, तो आपने तरह तरह की ड्रिप लगवा ली हैं लेकिन कमजोरी नहीं निकल रही है या आपकी प्लेटलेट डाउन हो रही है, तो उस समय आप Astamine 3 बोतल का इस्तेमाल करें। तो 300 ml की ये बोतल बहुत ही कारगर होती है, जो 200 ml की भी मिलती है। इसके अंदर प्रून क्रिस्टलिन एसेंट्रियल एमिनो एसिड IV इन्फ्यूज़न होता है, जो आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद में आपके शरीर में किसी भी तरीके की कमजोरी है या आपको डेंगू वगैरह हुआ है तो आपकी टांगों से नहीं चला जाता है, तो उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छे और बेहतर इसके रिजल्ट होते हैं, जो आप RL DNS या अलग अलग बोतलें लगवाते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप इसका इस्तेमाल करें। अब इसका अंदर से दिखाएं तो ये आपको इस तरीके से मिलेगी Astamine 3। ये एक बहुत ही अच्छी ड्रिप होती है, इसका इंजेक्शन भी आता है, और आप इसको प्लेन पेशेंट को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसके अंदर दूसरा कोई इंजेक्शन नहीं मिलाया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कराएं पेशेंट को, जिससे उसकी बॉडी में अगर क्रिस्टलिन की कमी है, इन्फ्यूज़न की कमी है, तो वो भी पूरी हो जाएगी और उसको वीकनेस, कमजोरी की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको उन सिरप, सस्पेंशन, ड्रॉप और ड्रिप के बारे में बताया, जो आगे आपने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए
हमारा चैनल डॉक्टर मोहम्मद आदिल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।